नमस्कार, साहस समाचार टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा धीर। आइए रुक करते हैं दिन भर की बड़ी खबरों की तरफ। जासूसी के आरोप में डीआरडीओ वैज्ञानिक गिरफ्तार, पुणे में विशेष अदालत में किया गया पेश। हजारीबाग में कोल माइंस के लिए काम करने वाली कंपनी के मैनेजर की गोली मारकर हत्या। एक्ट्रेस राखी सावंत के भाई राकेश सावंत अरेस्ट, बिजनेसमैन ने दर्ज कराया था चेक बाउंस का केस। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी बोले, द केरल स्टोरी और कश्मीर फाइल्स जैसी फिल्मों को पसंद कर रही है जनता। लॉरेंस बिश्नोई को अहमदाबाद की साबरमती जेल भेजा, 14 दिन की पुलिस रिमांड खत्म होने पर लिया गया फैसला। केरल के मलप्पुरम हादसे में नाव मालिक के खिलाफ दर्ज हुआ हत्या का केस। उत्तराखंड के जोशीमठ के गांधीनगर वार्ड में फिर दिखी दरारें, प्रशासन ने भवन को येलो जोन में रखा। वीएचपी का दावा, बेंगलुरु के विजयनगर में चुनाव आयोग ने हनुमान चालीसा का पाठ करने से रोका। श्रद्धा वॉलकर मर्डर केस में आफताब पूनावाला के खिलाफ हत्या और सबूत मिटाने का आरोप तय। पहले भ्रष्टाचार के खिलाफ अजमेर से जयपुर तक 5 दिन की यात्रा निकालेंगे। बिहार सीएम नीतीश कुमार ने भुवनेश्वर में नवीन पटनायक से मुलाकात की। सलमान खान को गोल्डी बराड़ के नाम पर धमकी देने वाले शख्स के खिलाफ लुक आउट नोटिस जारी। एमपी के खरगोन में बड़ा सड़क हादसा, पुल से गिरी बस, 14 यात्रियों की हुई मौत, 20 लोग हुए जख्मी। पूरो नेशनल पार्क में हुई तीसरे चीते की मौत। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान गिरफ्तार, लाहौर में कई जगह आगजनी और तोड़फोड़, इस्लामाबाद में धारा 144 लागू। रूस ने यूक्रेन के शहरों पर ड्रोन और मिसाइलों से किया हमला। खबरों में फिलहाल इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें साहस समाचार टीवी के साथ। नमस्कार।